115 के आसपास खर्च करा है, बट लुक्स के मामले में उस टाइम में ये बाइक थी टॉप। आई थिंक कितना टायर था इसका, स्टॉक टायर है। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हमारे सामने है द लेजेंडरी हीरो होंडा क्रिज्मा। तो आप देख सकते हैं कि बाइक वह काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। लुक्स के मामले में उस टाइम में ये बाइक थी टॉप क्लास की, और क्या मेंटेन करके रखी हुई है। उसका बेसिक सा रीज़न ये भी रहा कि ये बाइक ज़्यादा चली नहीं है, ओनली 12,000 किलोमीटर रन हो रखा है इस बाइक का। अभी मेरे भाई के पास आया था मैं, जिनके पास ये बाइक थी। सो जैसे मैंने देखा तो मैंने उनसे चाबी मांगी और बोला कि भाई इसको राइड करना है मेरे को। मैंने क्योंकि कभी चलाया नहीं रखी थी बाइक, तो इस बाइक के क्या लुक्स आ रहे हैं यार, कसम से मैं तो फ़ैन हुआ था इस बार। उस वाले टाइम में इस बाइक का फ़ैन था मैं, मेरा हेलमेट भी मैच कर रहा है इसे, और स्टॉक बाइक है पूरी की पूरी, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बेसिक सा है बट उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था ये। आप देख सकते चल रहा है RPM मीटर है, और ये स्पीड रन है, और ये लाइक कुछ किलोमीटर रन एंड ऑल लिटल छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसकी थोड़ी बैटरी भी थोड़ी सी डाउन लग रही है मेरे को। अभी आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं इसका, थोड़ा इसका इशू आ रहा है बैटरी का ना, बाकी ठीक से स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, कम हियर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रेटी साउंड आ रहा है बाइक। जो इसकी कंडीशन रखी है ना बाइक्स की, अभी इसका राइड रिव्यू देते हैं। अभी भगाने में अराउंड मैंने अभी इसको आई थिंक 115 के आसपास खर्च करा है, बट इट कैन गो आई थिंक 130-135 इजीली। थोड़ा रोड्स नहीं मिल पाए मेरे को, तभी थोड़ा नहीं चला पाए इस लेवल से इसको। तो गाइस चलती अभी थोड़ा इसका राइड रिव्यू लेते हैं बाइक का, तो देखते हैं भाग ज़्यादा नहीं। अब उसकी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है वैसे ना, और भाई रिफाइनमेंट तो नहीं है, थोड़ी वाइब्रेशन है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहाँ थे हम भी, हम थोड़ा वापस आ गए। तो स्टॉक बाइक है जैसे कि हम बता रहे थे कि कोई भी चेंजेस नहीं है इस बाइक में। सो कलर की क्वालिटी मतलब गजब की है, कोई फेड नहीं हो रखा है। कितना टाइम हो गया इस बाइक को, आई थिंक मोर देन 8 or 9 ईयर्स हो गए। 8 ईयर 250 cc का इंजन लगा हुआ है। सो पावर आई थिंक फिगर्स आप पता लगा लोगे या नीचे डिस्क्रिप्शन। इसका बेस्ट पार्ट था ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उस टाइम का, और अभी भी ये क्या डोप लग रहा है। द थिंग इज इसका चेन सेट का कवर भी है, जो लूप करने में आई थिंक दिक्कत आएगी, ज़्यादा इसको रन नहीं कर सकते। आई थिंक 400-500 किलोमीटर डिपेंड ऑन द रोड्स चेन लूपिंग की जरूरत पड़ती हुई है। और लाइक यू कैन सी हियर इज माई एम्प्टी। कमेंट करके बताओ गाइस आपको इस बाइक से कितना प्यार था उस वक्त, क्या अभी भी है। Thank you.